अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी भी है और एक तरफ अफसोस भी है, क्योंकि काश मुझे पहले अगर पता होता तो यहाँ बहुत सारी औरतों की अक्सरियत होती, बहुत सारे औरतों की शराकत यहाँ होती, क्योंकि औरतों के दिन में एक एज ए वुमेन होते हुए मैं ये कहना चाहूंगी और दावे के साथ ये मैं बोलना चाहूंगी कि औरतों के दिल में, औरतों के मन में जितना दर्द और गुस्सा है वो आकर यहाँ पर एहतजाज के जरिए वो हुकूमत को जताना ये चाहती है कि हम ना कल किसी से कमजोर थे और ना ही आज, वो चाहे कितने ही हमसे जो है ये उम्मीद करें और हमें डराने और धमकाने की कोशिश करें कि जिस तरह की हरकतें करके हमें डिमोनाइज करेंगे, हमें तोड़ सकेंगे, अपने मिशन से हमें भटका सकेंगे, तो वो काम फ्रूटफुल सुनने की ये ना समझी है, ये नाकामी है। और आज नहीं, ये इस बात की तारीख शाहिद है कि जब जब इस तरह का मौका आया, जब जब इस तरह की जरूरतें पड़ी, औरतों ने अपने जोड़ा कदम से कदम मिलाकर इस बात का सबूत दिया है। और जिस तरह की हरकतें मेहमान रोहिंग्याओं के साथ हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो उसकी माए और बहने और छोटे बच्चों का जिसका कोई कसूर नहीं है उनके साथ इस तरह की जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उनको बेकसूर मार दिया जा रहा है और उनके भाई बहनों के साथ उनको जो है ज्यादती की जा रही है, उनको संसार कर दिया जा रहा है, ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। और एक बात वो तुम्हें जताना चाह रही हूँ, हमारा दिल इतना उसी है, अगर यहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भी होता तो यही आवाज उनके लिए भी हमारी होती, ऐसा नहीं कि मुसलमानों के साथ हो रहा है, जिनके साथ अगर जुल्म ज्यादती इस तरह होगी तो हम खामोशी का मुजाहरा ना कभी किए हो ना ही कर सकते हैं। ये काम खोल करके सुन लें, और जो 40,000 रिफ्यूजी यहाँ मौजूद है तो वो किसी के टुकड़ों पर हुकूमत ये काम खोल कर सुन लें कि वो तुम्हारी जो है हमदर्दी सिर्फ नहीं लेने के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ वो इतना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने दूसरे रिफ्यूजियों को मौका दिया है, जिस तरह से और आम बातों पर मैं अपनी बातों पर खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। जय हिंद। आम निशान सूची।